दवाइयाँ, पहले महसूस किया जाता था कि कोई बीमार होता था तो ओवर बर्डन था, दवाइयाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। सस्ती दवाइयाँ और क्वालिटी दवाइयाँ, मतलब बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी टेस्टेड दवाइयाँ जो हैं, जन औषधि केंद्रास काफ़ी खुल गए हमारे यहाँ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, 227 केंद्रास हैं। पीछे जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो 108 उन्होंने तभी इनॉग्रेट किए थे। इनॉग्रेशन के बाद इन्होंने इतना अच्छा हमारा मरीज़ों को जो सेवाएं हैं वो मिल सकी हैं और काफ़ी बेनिफिशरीज़ हैं, सारे लोग इसी तरफ आ रहे हैं कि पहले जो सोच भी नहीं सकते थे अपने इलाज और अपने दवा दारू के बारे में, वो अब बिल्कुल बेनिफिट हो रहे हैं। तो 7 दिन तक ये हमारी चेष्टाएँ चलेंगी, जिसमें जन जन तक पता चल जाना चाहिए कि जन औषधि केंद्र से बिल्कुल सस्ती और क्वालिटी दवाइयां जो अवेलेबल हैं हमारे यहाँ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ड्रग कंट्रोलर मैडम लोतिका खजूरिया हैं, इनकी बिल्कुल निगरानी में कोई भी गलत काम कहीं नहीं हो रहा और जो दवाई जिसको जब चाहिए जिस रेट पे चाहिए वो मिल रही है। ऐसे ही हमारी बिल्कुल लीडर्स में मैडम रिफत हैं, इन्होंने भी पूरे भारत सरकार का ये जो सपना है उसको हमारी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बिल्कुल भली भांति, मैं तो क्या कहूँगी कि इससे बेहतर हो नहीं सकता जिस रफ्तार से हम इसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। हमारी रैली है, अलग अलग प्रोग्राम्स हमें रखे हैं और 7वें दिन हमारा यहाँ पे जन औषधि दिवस फाइनल डे होगा जो हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में सेलिब्रेट करेंगे। कितना बेनिफिट अभी तक जम्मू कश्मीर के लोग ले पाए? अभी तक हमने जम्मू कश्मीर इस साल की अगर मैं बात करूँ तो हमने करीब करीब 40 करोड़ की अद्वियात दे चुके हैं, मेडिसन्स दे चुके हैं जम्मू कश्मीर के लोगों में, जिसमें से हमने 200 करोड़ का बेनिफिट पहुँचाया है जम्मू कश्मीर की आवाम को इस एक साल में। क्या ये अभियान जो है वो गांव-गांव में भी चल रहा है, बॉर्डर एरिया में भी चल रहे हैं ऐसे अभियान? बिल्कुल अभी चल रहे हैं हमारे, अभी जितने भी ब्लॉक्स हैं हम ब्लॉक लेवल पे भी गए हैं, डायरेक्टरेट में हर जगह, अभी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो छोड़ा है, कोई ब्लॉक नहीं है और आज की डेट में 227 केंद्र हैं और आगे कोशिश करेंगे कि इसको और खोलें। बाकी इन पेरिफ्रीज तक भी हम जा चुके हैं और अभी हमारे पास 700 मेडिसिन जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है, जिसमें से हमारे कंज्यूमेबल मेडिसिन भी हैं और लोगों को पूरा बेनिफिट मिल रहा है, सपोर्ट कर रही है। आपने देखा आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो हमारा फ्लैग ऑफ प्रोग्राम हुआ, हमारी प्रिंसिपल मैम, हमारे ड्रग कंट्रोलर लोतिका मैम जिन्होंने जो क्वालिटी देख रही हैं, तो इस बहुत अच्छा जा रहा है और अगर आने वाले टाइम में हम चाहते हैं ये जो सेवा है ये हम हर एक इंडिविजुअल इसका फ़ायदा ले, हर एक घर में इसका फ़ायदा जाए, ताकि जो कुछ पैसे बचे उसमें से जो भी उनके घर के डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सके। यही मुद्दा है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कि हर एक बंदे को दवाई मिले, अच्छी मिले और कोई बंदा दवाई की वजह से ना मरे।